हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिना मावा और मलाई के सिर्फ दूध से कुल्फी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इसे घर पर आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना मावा और मलाई के दूध कुल्फी बनाना। दूध से कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और अब हम कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे। हमें दूध को मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है, तो दूध को हम बॉईल होने देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। जार में हम एक छोटी कटोरी की नाप से 1.5 कटोरी इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें काजू ऐड करूंगी, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बादाम भी ऐड कर दूंगी। अब हम यहाँ पर थोड़े से पिस्ता ऐड करेंगे। लास्ट में हम इसमें 6 से 7 इलायची डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जार का ढक्कन बंद कर दूंगी और इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका दरदरा पाउडर बनकर एकदम तैयार है। चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करते रहेंगे जब तक कि दूध की क्वांटिटी आधी ना रह जाए। हमें दूध को गाढ़ा होने तक इसी तरह से पकाते रहना है। तो यहाँ पर हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए थिक होने तक पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध हमारा थिक होना शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पर उसी छोटी कटोरी की नाप से फ्रेश मलाई इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें कोई भी स्पेशल मलाई ऐड नहीं की है, मैंने यहाँ पर दूध की मलाई इसमें ऐड की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध हमारा थिक होना शुरू हो चुका है। अभी हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध हमारा थिक हो चुका है। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। हम साइड को स्क्रैच करते जाएंगे जिससे कि मलाई हमारी जले नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध की जो क्वांटिटी है वो आधी रह गई है। दूध हमारा अच्छे से थिक हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स और चीनी का पाउडर बना के रखा हुआ था उसको ऐड कर देंगे और हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार चलाती जा रही हूँ। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें 6 से 7 धागे केसर के ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 से 7 धागे केसर के इसमें ऐड कर दूंगी और इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे जिससे कि केसर का कलर कुल्फी में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जैसे ही दूध हमारा ठंडा हो जाएगा हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर कुल्फी जमाने के लिए मिक्स एकदम तैयार है। अब हम कुल्फी जमाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुल्फी जमाने के लिए मोल्ड लिया है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर इस मोल्ड को कुल्फी मिक्स से फिल कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर मोल्ड को अच्छे से फिल कर दिया है। अब हम जो हमारा मिक्स हल्का सा किनारे पर फैल गया है उसको पोंछ देंगे
और इन्हें हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा कुल्फी मिक्स बचा हुआ है, तो ये मोल्ड एकदम तैयार है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक गिलास लेंगे और गिलास में बचा हुआ मिक्स ट्रांसफर कर देंगे। आप गिलास की जगह कटोरी में भी कुल्फी जमा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर गिलास को फिल कर दिया है। अब हम गिलास के ऊपर एक फॉइल पेपर लगाएंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब मैं इसी के ऊपर से एक कुल्फी स्टिक इसमें डाल दूंगी, जिससे कि कुल्फी निकालने में आसानी हो। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे, जिससे कि कुल्फी हमारी अच्छे से जम जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर कुल्फी हमारी अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हम पहले इसे पानी में डिप करेंगे, जिससे कि ये आसानी से निकल जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए इसे पानी में डिप कर लूँगी, जिससे कि ये आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी दूध कुल्फी बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है। तो मैंने यहाँ पर ग्लास वाली कुल्फी भी निकाल ली है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ पिस्ता डालकर इसे गार्निश करेंगे और ग्लास वाली कुल्फी को मैं पीसेस में कट कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारी मिल्क कुल्फी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आप भी इन गर्मियों के मौसम में घर पर दूध कुल्फी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।